भाई ये हो गया भाई, कुछ अलग सी मशीन ले आवांगे। अच्छा, वो तो को 15 की भी आवा है, 14 की भी आवा है, फिर हाँ। देख पैसा तो लग गया ही है। हाँ। फिर यू भाई है, यो बोला भाई देख मैं लूंगा एसी के बना। अच्छा। तेल खागी होगी एक टोटल ऑटोमेटिक है यार सारी चीज है। अच्छा, 30 डाल की फसल काट से गया, इस तरह सेटिंग हुआ है। अच्छा, मतलब कितनी आन में ठंड कर दे हो? अच्छा यार, रेस होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल में। तो ये आप देख सकते हो न्यूलैंड की हार्वेस्टर है, ये TCS 30 CAB RN। तो ये मशीन का नाम है। तो ये किसान भाई है, ये लेकर आए है इतनी बड़ी मशीन। तो ये मशीन के बारे में जानेंगे, कितनी क्या खूबी है इसमें, कितनी क्या स्पीड है, कितनी क्या टंकी है, क्या कुछ किस तरह का काम करती है, कुछ नुकसान लगा या फ़ायदा लगाई इस मशीन का। तो ये किसान भाई है जिनकी मशीन, इनसे पूछेंगे। तो नमस्कार भाई साहब, तो ये मशीन के बारे में बताओ, मतलब ये कब ली थी आपने? इब्बे ली थी, इब्बे सीजन में ली है 2022 में। कहाँ से ली थी ये? पुन्ना से। कितने रुपये की? 35 लाख की, मतलब सारा कुल मिलाकर 35 लाख में। तो यह क्यों लिए सी का बीन की न्यूलैंड की इतनी बड़ी मशीन? वे और भी आ रही थी रामा चलो इब तना तक केरा सावांगे तू ले ले भाई। अच्छा, इसके कहे था फिर हम या बड़ी मशीन लाए भाई। या बड़ी मशीन, इसका फायदा क्या लग गया आपने? फायदा सारे फायदे हैं भाई है। एक तो 17 फुट का कटर है। अच्छा, 17 फुट का जो और नॉर्मल है उनकी 15 फुट का कटर है। 15 फुट का कटर अंदर का 15 का है, 17 का है। उस तय मतलब ज्यादा स्पीड में काट दे। टंकी कितनी है इसकी? 68 मन की टंकी है भाई। 68 मन की, अनुमान ले 1.5 किले के लगभग आ जाते होंगे। तो ये है भाई, किले में रोकना ही नहीं पड़ता। अच्छा, रोकना नहीं पड़ता। रोकना नहीं पड़ता भाई, किसे गेहूं उतरी। अच्छा हां, कितने ठाडे हो, रोकनी नहीं पड़ा, सीधी बाहर लागत तार देगी, बाहर लागत ट्रैली में गल लगी भाई। अच्छा, और के फायदा लग गया इसका? सारे फायदे हैं भाई। एक तो देखे ड्रेवर पे है, ड्रेवर पे तड़का ही ना दोगे, जैसा बैठेगा उसा ही उतरेगा। जी सब उड़ है वैसे ना दो, जींस पैर का चढ़ दो, जींस पैर का चढ़ेगा ड्रेवर पे। जुनू ऑफिस में जा है, ऑफिस में। तो और कटर वगैरह, मतलब इससे पहले और भी मशीन चलाई थी आपने? ना भाई। अच्छा, और इसकी साइड में कुछ टेक्निकल बतावा? मोटर है भैया इसमें, ये ऊपर तक एक वो जा कंट्रोल है, वे रील कंट्रोल कुछ, मतलब ये सिस्टम आगे बारे में बताओ। ऊपर तक रील कंट्रोल हो जाए। अच्छा, और ये मोटर दे रखी है इसमें, और मशीन मोटर नहीं है। अच्छा, सेटिंग ऊपर तक हो जाए सारी। ये भाई रील के चक्कर ज्यादा हो गए, कम करने ऊपर तक कम हो जाएंगे। अच्छा, इंजन के चक्कर ऊपर से कम है। अच्छा, उन मशीन के नीचे आग हो थे? उनके तो सारे नीचे आग हो है, इसका ऊपर तक हो जाए सारा सिस्टम, मतलब ड्राइवर ये कंट्रोल कर लेगा सारी चीज, सब कुछ कंट्रोल कर लेगा। अच्छा, और एक आप बता रहे थे, मतलब शुरू शुरू में जैसे ये है इसके सिस्टम कचोड़ज पड़ज से लाग गया आपने? भाई लाग गया भाई है। तो इसमें मतलब क्या लाग गया भाई, वो और बताओ। शुरू में भाई इसने नवी लेगा भी आए हाँ, तो सेटअप अपना तो आप लेगा नहीं जा रही थी। अच्छा, अपने आप खुद चलान दे लाए थे। अच्छा अच्छा, अपना रामा भाई ले आया था। अच्छा, अच्छा रामा भाई हाँ, फिर एमपी में छोड़ आया था, फिर एमपी का सीजन मार गया इस भाई अपने धरती में। तो पुणे दे आड़ा ल्याण में कितना तेल खा गई होगी यार? तेल तो भाई देखे जो सेटअप होता बढ़िया है, तो जल्दी आओ। अच्छा, आप बताना जान दे सारे को क्यों करे चलाओ था, क्यों क्यों करे चलाओ, को क्यों करे चलाओ था, सच्ची बात है यार। अच्छा भाई, हम कह दे अंतर ये भाई ज्यादा 8 की एवरेज दे, 9 की एवरेज। अच्छा अच्छा, इस चीज का कोई ज्ञान नहीं हुआ। अच्छा, 18-4-30 के टायर तो हो गए इसमें ये, और इसमें भी कुछ अलग चेंज है दूसरी मशीन ना था कुछ यार? भाई सब कुछ अलग है, कुछ बताओ मतलब। डबल थ्रेसिंग भी है भाई। अच्छा, डबल थ्रेसर हाँ। एक बार थ्रेसर बोल दो, देखो और कर दिखा दे, खोल दे अगर खोल लेंगे थ्रेसर तो। अच्छा, यार्ड है उन बता दो कि था वे अंदर है भाई थ्रेसर। अच्छा, यार्ड है डबल थ्रेसर में, मतलब डबल में कुछ कंपनी वारंटी वारंटी का क्या है आप बता रही थी इसका, कुछ कमी आई?
उसके बारे में भाई कमी का तो ये है भाई, टोल फ्री नंबर है भाई, टोल फ्री 1000 घंटे की वारंटी है, 1000 घंटे की, हां 1000 घंटे की वारंटी कंपनी की तरफ से, वारंटी 4x4 भी आवे थी इसमें ना भैया, 4x4 कोई नहीं आंदी इसमें भाई साहब, ये अच्छा ये आए है एक बार, इसमें भी कुछ अलग है पीछे ये पीछे से जो सिस्टम है कि ऐसे खोल ले अच्छा, उनके तो नट सेट करने पड़े, इनके नट नहीं करने पड़े, इनके सीधा ही हो है। अच्छा अच्छा सेटिंग करने वहाँ तो नट से सेटिंग होती है, ये सीधी मुंह सेटिंग होती है। अच्छा अच्छा, और एक टोटल ऑटोमेटिक है या सारी चीज है? अच्छा, एक बेसी का भी नमा और चालो, एक और सुनो, इसमें सेंसर लग रहे हैं सारे। अच्छा सारे में सेंसर है, कोई दिक्कत आता सेंसर तो मेरा लग गया है, क्यों नई नई मशीन लिया, हमने भी पूरा नॉलेज नहीं है वैसे, थोड़ा थोड़ा बता सका आप, ये सेंसर है पर सेटिंग भी हो जाए इसकी। अच्छा ऊपर लेकर खोल कर देखा अपना, उसमें फसला ही सेटिंग हो जाए है, सारे में जैक लग रहा है भाई, ये देखो प्रेशर से है बिल्कुल, सिंगल जैक साइड में, ये फसला ही सेटिंग हो जाए। अच्छा 29 डाल की फसल काट से गया, इस तरह सेटिंग हुआ है। अच्छा कौन सी पंखे का है? अच्छा 29 डाल की फसल काट सका है, 29 डाल की फसल काट, मतलब कौन कौन सी फसल काट सका है? सरसों, सरसों, हाँ राई, राई धनिया, अच्छा जीरा सब कुछ काट सका या। तो फिर ये कटर भी बदलना पड़ेगा, ये मके मके में कटर बदलना पड़ा भाई, भाई मके मके में है और सारी चीज में धान वगैरह में सब ये धान का थ्रेसर बदलना पड़े है। अच्छा थ्रेसर एक जो एक जो पहला वाली मशीन थी वे बतावा धान तोड़िया करती, इसमें वह शिकायत है? कोई शिकायत नहीं भाई, वह दाना नहीं तोड़ेगी या हाँ या बता रही है, मतलब धान बहुत बढ़िया लग रहा है इसमें, और भी बढ़िया काट है। अच्छा तो एक बचा लो, मतलब एसी वाला और दिखा दो उसका सिस्टम के दे रहा का, तो ये बेसी दिखाएंगे भाई, ये देखो भाई आप देखो, ये देखो भाई अंदर से, मतलब कि सिस्टम के बारे में बताओ, एसी चालू हो गया? हाँ चालू हो गया। तो इसका कूलिंग सिस्टम कहाँ से है, मतलब यहाँ से है? ये देखो यहाँ से है भाई कूलिंग सिस्टम इसका, एसी का मतलब गर्दाब है इसमें, मतलब गर्दाब कोई काम नहीं, ये वाइपर हो गया भाई, यहाँ से कंट्रोल होता वाइपर है, ये देखो वाइपर और पावर स्टेयरिंग के साथ, ये ब्रेक हो गए, ये ब्रेक हो गया, ये स्विंग है, अच्छा अच्छा ये रील का हो गया भैया, अच्छा ये रील वाला, अच्छा ये देखो उठ गया भाई, ये चाल पड़ी भाई, मतलब कितनी आन में ठंड कर दे हो भाई, चलते हैं ले ले 10 मिनट तो लग जाते, अच्छा 10 मिनट में ठंड कर दे, अरे टैंकी कितनी है यार इसकी? 25 क्विंटल प्लस है, 25 क्विंटल प्लस। और एक और चीज बताओ, कैमेंट में या कि एक कट ना काट दे है भाई, या फोरमैन के ऊपर बात है। अच्छा फोरमैन तो नए नए, हां हमारे से 15-16 मिनट लग जाती है। अच्छा अच्छा फोरमैन और मैं 14 मिनट में 12 मिनट। अच्छा ये इसके मतलब ये कंट्रोल से रेस होगी भैया इसकी? अच्छा यार रेस होगी। अच्छा ये लाइट बटन हो गई भैया? अच्छा यह जो रील कटन बटन लगा हो गया, हाँ जैसे जो कछुआ नीचे करेगा तो कितनी धीरे चल जाएगी, और स्पीड में करेगा खरगोश वाली स्पीड आ जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये साइड में ये किस, यह लीवर आ गया, ये लीवर, हाँ किस किस चीज के है ये? एक तो रील का हो गया, एक पाछा थ्रेसर का हो गया, जैसे ब्रह्मा चलता है, हाँ चले, मतलब उन मैरीस में सबसे मेन फर्क था, एक तो एसी का हो गया, एक टैंकी का हो गया, एक सब उन तब बत्ती फसल काट दे है,
ये चीज है। और सबसे मेन चीज है कि इसका ड्राइवर मतलब जैसे दूसरी आप जाके नीचे करना इसमें ऑटोमेटिक यहाँ से हो जाता है। अच्छा ये यहाँ से ये सेंसर बता देगी कितना किला कट दिया। अच्छा ये बता देगी ये सेंसर है भाई यहाँ पे बता देगी कितना किला काट दिया कौन मुझे जाता। अच्छा तो मतलब किसान भैया तक ये सलाह देना चाहोगे इस मशीन के बारे में? मशीन में कोई दिक्कत नहीं, मशीन बढ़िया है, मैंने सेटअप मैन की सेटअप की। अच्छा और मतलब लेने में कोई टोटा नहीं है, मतलब कोई टोटा नहीं है, कोई फॉल्ट कमी कुछ नहीं आई? चल ठीक है बंद कर, ठंड भी कर दिया भाई इसने 10 मिनट में। ये मशीन थी भाई, ये देखो ये टंकी है इसकी 68 मण की है ना, इवन पास भी नहीं होली है। अच्छा मतलब 68 तो ये थी भाई मशीन न्यूलैंड की TCS 30। आप देख सके हो 35 लाख की किसान भाइयों ने ली है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।